हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। आज हम यहां पर ग्रेइंग ऑफ हेयर यानी के ग्रे है यानी के आपके बाल अगर सफ़ेद हो रहे तो इनकी ट्रीटमेंट अब बताने वाला हूं। ऐसा एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको दबाना है, उनको ट्रीटमेंट देनी है और आपकी जो यह समस्या है, बाल सफ़ेद हो जाते छोटी उम्र में सफ़ेद हो जाती है, या तो लेडीज़ को सफ़ेद हो जाती है या तो जेंट्स को भी सफ़ेद हो जाते हैं, और इनकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, इनकी पर्सनालिटी होती है वह डाउन हो जाती है, उनको इन्फीरियरिटी फील होती है। तो यहाँ पर आप यह सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट को ट्रीटमेंट दे के यह जो सफ़ेद बाल होने की आपकी समस्या है इनसे छुटकारा पा सकते हो। यहाँ पर जो बाल आपके ग्रे हो रहे हैं तो इनके बहुत सारे रीजन्स होते हैं, वह हेरिडिटी होता है, अनवंशिक होता है, जीनेटिकल होता है, हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से भी यह तकलीफ होती है, एज रिलेटेड भी यह तकलीफ होती है, या तो फिर अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कोई न्यूट्रिशन की खामी है तो इनकी वजह से भी यह तकलीफ होती है, या तो फिर अगर आपको बाहरी वातावरण सूट नहीं हो रहा है, ज़्यादा सन लग रहा है या तो ज़्यादा डस्ट आपके बाल पर गिरते हैं तो इनकी वजह से भी यह तकलीफ होती है। हमारा जो स्काल्प होता है वहाँ पर दो अलग अलग टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक सेल होता है वह हमारे बालों को ग्रोथ प्रदान करता है और जो दूसरे टाइप्स के सेल्स होते हैं वह हमारे बालों को कलर देता है। वह सेल्स मेलेनिन नाम का पिगमेंट रिलीज करता है जो कि हमारे बालों को ब्लैक कलर देता है। अगर यह पिगमेंट रिलीज नहीं हो रहा है या तो जो सेल्स होते हैं वह डैमेज्ड हो गए तो इनकी वजह से यह पिगमेंट अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है, फिर हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते। तो यहां पर जो पॉइंट है वह पॉइंट को ट्रीटमेंट देके आप यह प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। तो यहां पर जो पॉइंट है वह पॉइंट का नाम है ST39 यानी कि स्टमक मेडियन का 39 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो यहां पर यह पॉइंट का लोकेशन जानेंगे, कैसे इनको दबाना है, कैसे आप मैग्नेट या तो सीड थेरापी से यह पॉइंट को ट्रीटमेंट देके आपके बाल जो सफेद हो रहे इनकी समस्या से आप छुटकारा आप पा सकते हो। तो फिर जान लेते हैं यह पॉइंट के बारे में। यहाँ पर हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह हमें इस जगह पर मिलता है। जान लेते हैं किस तरीके से आपको यह पॉइंट को लोकेट करना है। यह पॉइंट को लोकेट करने के लिए पहले आपको यह दो पॉइंट को लोकेट करना है। जो पहला पॉइंट है वह पॉइंट हमारी जो मिडल फिंगर है, यह मिडल फिंगर का जो लास्ट जोड़ है, यह लास्ट जोड़ की जो लाइन है, यह लाइन का अंदर का एंड यानी कि इंडेक्स फिंगर साइड का एंड है। और जो दूसरा पॉइंट है वह हमारी मिडिल फिंगर का जो फर्स्ट जोड़ है, यह जोड़ की जो लाइन है, इनकी इंडेक्स फिंगर साइड का जो एंड है वह हमारा दूसरा पॉइंट है। अभी यह दो पॉइंट के बीच वाला जो सेंटर पॉइंट है, यह सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर इस जगह पर हमें हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। फिर से जान लेते हैं हमारा जो पॉइंट है इनको लोकेट करने के लिए हमें पहले दो पॉइंट को लोकेट करना है। यह दो पॉइंट हमारी जो मिडल फिंगर है इनके जो लास्ट और जो फर्स्ट जोड़ है, यह दोनों जोड़ की जो लाइन होती है, यह लाइन के अंदर के एंड है यानी कि इंडेक्स फिंगर साइड के एंड है। अभी यह दो पॉइंट का जो मिड पॉइंट है, यह मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर इस जगह पर हमें हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। तो यह पॉइंट को लोकेट करने के बाद हमें यह पॉइंट को इस तरीके से दो मिनट के लिए एक्टिवेट कर लेना है, यहाँ पर एक्यूप्रेशर देना है, इस तरीके से हमें दबाना है। इनके बाद यहाँ पर आप मैग्नेट या तो सीड थेरापी से यह पॉइंट को ट्रीटमेंट दीजिए तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैग्नेट थेरापी के लिए हमें इस तरीके के स्मॉल साइज के मैग्नेट का इस्तेमाल करना है। यह मैग्नेट को ब्योल मैग्नेट बोला जाता है। यह मैग्नेट की खासियत यह है कि इनकी एक सरफेस इस तरीके से वाइट होती है और एक सरफेस इस तरीके से येलो होती है। अगर येलो सरफेस हमारा जो पॉइंट है इनके कांटेक्ट में आती है तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है इनकी एनर्जी बढ़ती है, और अगर वाइट सरफेस हमारा जो पॉइंट है इनके कांटेक्ट में आती है तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है इनकी एनर्जी कम होती है। यहाँ पर हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है यह पॉइंट की एनर्जी घटानी यानी कि कम करनी है।
इसीलिए मैग्नेट की जो वाइट सरफेस है यह सरफेस को हमारा जो पॉइंट है इनके कॉन्टेक्ट में लानी है। तो जान लेते किस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई करना है। आधी चौड़ी पेपर टेप लेनी है, यह टेप के ऊपर इस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई कर देना है, चिपका देना है ताकि ऊपर से आपको व्हाइट सरफेस दिखे और टेप के पीछे से आपको येलो सरफेस दिखे। अभी हमारा जो पॉइंट है वहाँ पर यह मैग्नेट को इस तरीके से लगा देना है। इनके ऊपर आप दूसरी टेप भी लगा सकते हो। यह मैग्नेट को आप पूरा दिन लगा के रख सकते हो या तो फिर रात को लगा दिए सुबह इनको निकाल दीजिए या तो दिन में 6 से 8 घंटे लगा के रख सकते हो। यह मैग्नेट को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव आपकी ट्रीटमेंट हो जाती है। अगर आपके पास यह मैग्नेट अवेलेबल नहीं है तो आप सीड थेरापी का भी इस्तेमाल करके यह पॉइंट को ट्रीटमेंट दे सकते हो। यहाँ पर सीड थेरापी के लिए हमें स्मॉल साइज के सीड्स का इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पर फेनुग्रिक सीड्स यानी कि मेथी दानों का इस्तेमाल कर सकते हो या तो फिर मूंग के दाने का इस्तेमाल कर सकते हो या तो कोई दूसरे स्मॉल साइज के सीड का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैं मूंग के दाने ले रहा हूँ। आधे ही चौड़ी पेपर टेप लेनी है, यह टेप के ऊपर इस तरीके से एक या तो दो मूंग के दाने आप लगा दीजिए। फिर हमारा जो पॉइंट है यह पॉइंट पर यह दाने को इस तरीके से लगा देना है। इनके ऊपर आप दूसरी टेप भी लगा दिए ताकि यह सीड यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपका हुआ रहे। यह सीड को भी आप मैग्नेट की तरह पूरा दिन लगा के रख सकते हो या तो फिर रात को लगा दिए सुबह इनको निकाल दीजिए या तो दिन में 6 से 8 घंटे लगा के रख सकते हो। अगर आप यह सीड को दिन में लगा रहे हो और आपके पास टाइम है तो हर एक घंटे यह सीड को इस तरीके से एक्यूप्रेशर भी दे सकते हो। इनको हर एक घंटे 1 मिनट के लिए दबा भी सकते हो तो बहुत ही अच्छा और फास्ट रिजल्ट आपको मिल सकता है। यहाँ पर मैग्नेट की तरह आप यह सीड को बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि सीड में जो हीलिंग पावर जर्मिनेटिंग एनर्जी होती है जो कि हमारा डिसीज है उनको हील करने में यूटिलाइज्ड हो जाती है, इसीलिए फिर यह सीड हमारे कोई काम का नहीं रहता। दूसरी बार ट्रीटमेंट के लिए हमें नया सीड इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर हमने यह सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट का लोकेशन जाना, किस तरीके से इनको दबाना है, कैसे आप मैग्नेट या तो सीड का इस्तेमाल करके यह सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट को ट्रीटमेंट दे के आपके बाल जो ग्रे हो रहे हैं यानी कि सफ़ेद हो रहे हैं इनकी ट्रीटमेंट घर पर ही कर सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।